आज हम गाजर और मूली की विटामिन ए से भरपूर बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी बनाने वाले हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। कुक विद प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आपके अपने चैनल कुक विद प्रतिभा को सब्सक्राइब करना ना भूले। गाजर में विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है और ये हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। बस ये सर्दी के कुछ ही दिनों में मिलने वाला गाजर हम इसे साल भर के लिए स्टोर करके हमारी डाइट में ले सकते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने गाजर, मूली, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की 8-10 कलियां अच्छे से साफ करके इसको हमने कट करके लिया है। सभी सब्जियां जब भी हम कोई अचार बनाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हम उस सब्जियों को किस शेप में कट करते हैं, उसी के ऊपर हमारी बच्चों की, घर के लोगों की पसंद डिपेंड होती है। तो दिखा देती हूँ मैं आपको मैंने कैसे कट कर लिया है। देखिए, ये मूली को ऊपर का छिलका निकाल, धोने के बाद उसका छिलका निकाल के उसको अच्छे से देखिए ऐसे बीच में से कट करके इसको ऐसे आपको कट लगाना है रफली। लेकिन उसके बाद अगर ये बड़े हो गए थोड़े से ज़्यादा तो मैं और एक कट लगा के इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। तो और एक दिखा देती हूँ आपको कैसे और कट कर लिया है मैंने। देखिए ये जो कट है, देखिए बीच में से लगा के ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके लेने हैं आपको। देखिए ऐसे ही आसानी से ये सेपरेट हो जाते हैं। और एक बहुत आसान तरीका बता देती हूँ आपको कट करने का। ये देखिए, इसको बीच में से कट कर लिया है, ये दोनों पार्ट सेपरेट कर लिए और एक बीच में से कट लगा के ऐसे रख के इसको एक बस चाकू से ऐसे कट कर लेना है। बहुत सिंपल मेथड है। वैसे ही मैंने गाजर कट करके लिया है। उसके बाद बारी आती है हरी मिर्च। हरी मिर्च को आपको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि उससे जलन हो जाएगी। तो ये कैंची से ऐसे बीच में से कट करके ऐसे दो हिस्से कर लेने हैं आपको। ये कुछ 8-10 मिर्ची ली है मैंने इसमें। तो देखिए ऐसे ये आसानी से कट हो जाएगी, इससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये कैंची वाला तरीका मुझे तो बहुत आसान लगता है। ये देखिए हमारी जो सब्जियां हैं कट करके बहुत ही बढ़िया से रेडी हो गई है। अभी हम इंस्टेंट अचार बनाने वाले हैं तो ये अभी अचार बनाने के लिए रेडी है। तो चलिए चढ़ाते हैं एक कढ़ाई। उसमें मैंने डाली है मसाला बनाने के लिए, मैंने 2 चम्मच राई ली है और उसमें 2 चम्मच मैंने धनिया लिया है और लेते हैं 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 चम्मच लिया है हमने सौंफ और इनको मिला लेते हैं। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1-8-10 ये ब्लैक पेपर लिया है मैंने। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। बस इसमें अगर कुछ मॉइस्चर वगैरह बचा हो तो वो निकल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है तो इसका टेस्ट है जो चेंज हो जाएगा, नहीं तो। तो चलिए पीस लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं पहले मसालों को, उसके बाद इसको पीस लेते हैं। ये देखिए ये मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। यही हमारा सीक्रेट है, हमारा अचार बहुत बढ़िया बनेगा इससे। तो आपको बाद में बता देती हूँ इसमें हमें और क्या क्या मिलाया है। इसको पीस लेते हैं। हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं करना है हमें। देखिए आपको दिख रहा होगा ये कैसे थोड़ा सा दरदरा सा है। इसमें मिला लेते हैं 2 चम्मच लाल मिर्च। मैंने बैड़गी मिर्च ली है, आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं, आपके टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कलौंजी ली है। कलौंजी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना अचार का टेस्ट जो है आएगा नहीं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। देखिए बहुत बढ़िया सा ये मसाला रेडी हो चुका है। और मैंने 1/2 चम्मच इसमें हींग भी डाल दिया है। हींग बहुत ज़रूरी, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हमारा अचार जो है बहुत लंबे समय के लिए रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। देखिए इसका टेक्सचर कैसे बना है, ऐसे ही आपको बनाना है। अब और चढ़ाते हैं कढ़ाई। उसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून जितना सरसों का ऑयल। सरसों को ऑयल हमें अच्छे से गर्म करना है, इसमें जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए, कड़वाहट निकल जानी चाहिए। उसके बाद इसमें मिला लेते हैं जो सब्जियां जो हमने कट करके रखी थी, पूरी मिला देते हैं एक साथ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपको जो ये उसमें जो स्पैचुला है वो चलाते रहना है उसमें, ताकि वो नीचे से जल न जाए।
बहुत अच्छा, देखिए ये जो ऑयल है ये सभी सब्जियों के ऊपर इसका कोटिंग होना चाहिए, तभी हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से रह पाएगी। हमें एक दो मिनट के लिए जस्ट हमें इसमें पकाना है ताकि ये जो ऑयल है सभी सब्जियों के ऊपर कोट होना चाहिए और इसमें का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा भी पकाना नहीं है, नहीं तो इसकी सब्जी बन जाएगी। देखिए बहुत बढ़िया से ये कोट हो गया है ऑयल, और एक मिनट के लिए रखती हूँ मैं। टोटल आपको बस 2 से 3 मिनट के लिए रखना है मीडियम फ्लेम पे, बहुत ही फ्लेम जो है हाई नहीं रखना है आपको, मीडियम टू लो रखा तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए बहुत बढ़िया इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छा, ये ऐसे ही बहुत अच्छा। अगर आपको खाना तो इसके ऊपर नमक डाल के ऐसे ही आप खा सकते हैं सैलड जैसा बना के। तो अब इसी स्टेज पे हम ऐड कर देते हैं मसाले, हमने जो मसाले पीस के रखे वो ऐड कर देते हैं। याद रखिए मैंने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला है, हम नमक डाल लेंगे लास्ट में। अब इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं, जो हमारे जो मसाले हैं अच्छे से ये मिक्स हो जाना चाहिए क्योंकि ऑयल लगा हुआ है सभी सब्जियों के ऊपर, तो अब ये जो मसाले हैं बहुत अच्छे से कोट हो जाएंगे। अगर आपको तुरंत खाना है तो और इसको दो तीन मिनट पका लीजिए तो तुरंत खाने को आ जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं 8 दिन बाद खाना है तो आप इसको तुरंत गैस को ऑफ करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और ये सालों साल चलेगा ये अचार। अब इसमें मिला लेते हैं हम लास्ट स्टेज पे नमक। नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया है, ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, आपके टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड करें। तो इसको बहुत बढ़िया, इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया आया है, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे खाने का मन कर रहा है ये, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आया है। चलिए मिला लेते हैं अब पहले इनको। अब देखिए बहुत ही बढ़िया, देखिए मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा क्लोज आपको, देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे जो मसाले हैं ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। चलिए आपको दिखा देती हूँ एक बाउल में मैं निकाल के, मैं देखिए वाओ बहुत बढ़िया ये अचार बना है। आप इसको फ्रिज में या ऐसे एक बरनी में, किसी बरनी में, कांच के बरनी में आप रख के फ्रिज में आप इसको रख के सालों तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप जैसे कि दूसरा सीजन आने तक तो आराम से इस अचार को आप खा सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए और ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जय हिंद।